चलिए बच्चों क्लास से एक के विद्यार्थी ध्यान दीजिए, हम है यहाँ पर आपका जहाँ से हम छोड़े थे श्रुति समिनार्थक सब वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए कमल, कमल का अर्थ है एक फूल, जबकि कोमल, कोमल का अर्थ होता है नरम या नाजुक। दूसरा है आपका बच्चों कटी, जिसका अर्थ होता है कमर, और कोटी जिसका अर्थ होता है करोड़। आगे बच्चों उसके आगे है आपका सांप, खच्चर, अथार्ट एक जानवर, जबकि खेचर का अर्थ होता है पक्षी या सूर्य। उसी प्रकार से बच्चों खोया अर्थात दूध का बना पदार्थ, जबकि खोया का अर्थ होता है जो खो गया अर्थात खो देना। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, उसके बाद है खल, खल का अर्थ है दोष्ट, खलु का अर्थ है निश्चय या आवास नहीं। उसके आगे आदि, ये खादी, खादी का अर्थ है खाने वाला, जबकि खादी दीर्घी का अर्थ होगा खादी, जिसका अर्थ होता है खद्दर। उसके आगे है बच्चों खाद और खाद्य, तो खाद्य अर्थात गोबर या कतवार, या फिर कहेंगे फसल की उपज बढ़ाने वाली। उसके बाद है इसमें है खाद्य, इसका अर्थ होता है खाने योग्य। उसके बाद बच्चों है शब्द आपका गज और गज, एक गज का अर्थ है हाथी, दूसरे गज का अर्थ होगा दो हाथ की माप, या फिर सितार बजाने की कमानी। आगे है बच्चों उसके आगे गण, गण्य, तो चलिए एक गण्य है सुमने, उसका अर्थ होता है समूह, जबकि गण्य का अर्थ होता है बच्चों गिनने योग्य या प्रतिष्ठित। आगे है बच्चों ग्रंथ, जिसका अर्थ होता है बड़ी पुस्तक, और ग्रंथी, जिसका अर्थ होता है गांठ। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। जी चलिए आगे बच्चों, अब उसके आगे है आपका गिरी ग्रह, गिरी और ग्रह, तो गिरी का अर्थ है बच्चों घर या मकान, घर या फिर मकान, जबकि ग्रह का अर्थ है बच्चों नक्षत्र। अब आगे बढ़िए, इसके बाद है गिरी, गिरी गिरी गिरी, तो यहाँ गिरी जो है रम हरसी इकार की मात्रा, इस गिरी का अर्थ होता है पहाड़।
जबकि ये जो दूसरे गिरी जो हम लिखे जिसमें रौ में दीर्घी काट दिए, इसका अर्थ होता है बच्चों किसी फल के बीज का गुद्दा, किसी फल के बीज का गुद्दा। अब है बच्चों गुड़ गुड़, गुड़ और गुड़, ठीक है। तो बच्चों गुड़ और गुड़, तो गुड़ का अर्थ होगा शक्कर, जबकि गुड़ शब्द का अर्थ होगा गंभीर। आगे बच्चों है शब्द आपका गर्व है, गर्व है, गर्व है और गर्व है। तो गर्व का अर्थ होता है बच्चों घमंड या अहंकार, घमंड के या अहंकार, जबकि गर्व का अर्थ है बच्चों हमल या फिर पेट के अंदर का बच्चे है ना, यहाँ आप हमल ही रहने दीजिए, ठीक है। अब है बच्चों गिरीश, गिरीश गिरीश और गिरीश एक में रौ में दीर्घिकार है, दूसरे में हर्षिकार है। तो जिसमें दीर्घिकार है रौ में गिरीश, उसका अर्थ होता है बच्चों हिमालय, जबकि हर्षिकार से गिरीश अगर लिखते हैं इसका अर्थ होता है शिव, मतलब भगवान शंकर। आगे जो शब्द है आपका ये और ये, तो ये का है अर्थ गाने योग्य, गाने योग्य, जबकि ये का अर्थ होता है बच्चों घर। अब है उसके आगे चक्रवाक, चक्रवाक का अर्थ है चकवा पक्षी, चकवा पक्षी मतलब यह एक प्रकार का चिड़िया है, और चक्रवाक उसके नीचे है आपका चक्रवात, इसका अर्थ होता है बच्चों बवंडर, बवंडर। आगे चतुर्थ पद, चतुर्थ पद
चतुर्थ पथ और चतुर्थ पद दो शब्द है। तो चतुर्थ पद का अर्थ होता है बच्चों चौराहा। जबकि चतुर्थ पद का अर्थ होता है चौपाया जानवर। आगे चरम चर्म चरम चर्म चरम का अर्थ है अत्यंत या फिर ये बेहद। जबकि चर्म का अर्थ है चमड़ा। आगे बच्चों ध्यान दीजिए, आगे शब्द है आपका चाप चाप। एक में हमने लिखा है चाप, चाप मने धनुष। दूसरा जो हमने लिखा है चाप अर्थात दबाव, दबाव ठीक है। आगे का शब्द जो आगे चलिए सबको लेकर चाय चाओ। चाय का अर्थ होगा एक लोकप्रिय पेय। एक लोकप्रिय पेय माने पीने का पदार्थ। और चाव का अर्थ है बच्चों प्रबल इच्छा। उसके आगे है बच्चों चीता 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 चीता। एक चीता का अर्थ है बच्चों हर शिकार से सौदा के लिए लकड़ी का ढेर। सौदा लाश को जलाने के लिए है ना, लाश को हम सौ कहते हैं। सौदा के लिए लकड़ी का ढेर, लकड़ी का ढेर। जबकि दूसरे चीता का अर्थ होता है बाघ के समान एक फुर्तीला पशु। बाघ के समान एक फुर्तीला पशु। अब है बच्चों चित चित। एक है चौमे हर्षी का, एक में है दिल्ली का। तो चीत हर शिकार से पीठ के बल, पीठ के बल। जबकि दूसरे चीत का अर्थ होगा बच्चों मन,
अब है आगे बच्चों चीर चीर एक चीर का हर्षी काल से चीर मतलब पुराना या बहुत दिन पुराना लिखिए या बहुत दिन जबकि दूसरे चीर का अर्थ होगा बच्चों वस्त्र या कपड़ा वस्त्र या कपड़ा। आगे है बच्चों चषक 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 का अर्थ होता है बच्चों प्याला अगर उसमें मूर्धन्य स हो तब अगर यही चषक में दंती स है तो इसका अर्थ होता है चषक माने लत या फिर चस्का भी कह सकते हैं आप। ठीक है बच्चों आज का वीडियो यहीं तक फिर कल हम इसके आगे लिखेंगे और समझाएंगे। धन्यवाद बच्चों।